तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चरखी दादरी में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय पशुधन विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ, जिसका कृषि मंत्री जेपी दलाल और त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देव ने शुभारंभ किया। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाओं के जरिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं पशुधन विकास प्रदर्शनी में हजारों की संख्या में पशुपालक हिस्सा ले रहे हैं। इस बार की जो प्रदेश स्तरीय पशु प्रदर्शनी है उसका आयोजन यहाँ पर हो रहा है, और जैसे आपने देखा होगा कि जो उत्कृष्ट पशुपालक हैं इलाके के हरियाणा के, हजारों की संख्या में यहाँ भाग ले रहे हैं, और हमने भी उनकी सेवा के लिए भोजन की व्यवस्था, उनके आने जाने की व्यवस्था, पशुपालकों के लिए चारे की व्यवस्था, पानी की, ठहरने की, और इनके इनाम की कि जो अलग अलग कैटेगरी के अंदर जो टॉप ब्रीड होंगे उनको इनाम देंगे, और पशुपालकों के मनोरंजन का भी पूरा प्रबंध है। हरियाणा के अच्छे लोक गायक हैं वो यहाँ पर हैं। आज हमारे ओपनिंग के वक्त पर प्रभारी हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा के विप्लव देव जी, वो आए थे। कल महामहिम राज्यपाल जी दत्तात्रेय जी आएंगे, और परसों जो पशुपालकों को इनाम देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आएंगे, और एक उत्सव का माहौल है। दादरी शहर में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है, और मैं इसे समझता हूँ कि किसान की आमदनी बढ़ाने में अगर किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा योगदान हो सकता है तो वो पशुधन का हो सकता है। हमारी कोशिश होगी आने वाले समय में पशुपालकों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएँ लेके आए। इनके लिए हम बीमा योजना लेके आए, पशुधन क्रेडिट कार्ड लेके आए, और जो बीमारी के वक्त समस्या होती थी 200 हम जो मोबाइल वैन डॉक्टर के साथ एक कॉल सेंटर स्थापित करके वो चलाएंगे, जिससे कि जो पशुओं की हानि होती थी बीमारी के वक्त उसकी कमी आए, और तरह तरह की योजनाएं हम लेके आएंगे कि पशुपालक जो है तरक्की करें। और किसान के लिए हमने बड़ी डेयरी की स्कीम लेके, भारत सरकार की है, भेड़ पालन की है, बकरी पालन की है, और इसके माध्यम से ही जो है किसान आत्मनिर्भर होकर के अपने परिवार पाल सकता है। हमारा पूरा ध्यान है किसान इस चीज़ को अपना भी है, क्योंकि हरियाणा दुग्ध उत्पादन इसमें 2 नंबर पर है। हरियाणा खेती के अंदर तो आगे आगे है ही, छोटा सा प्रदेश होते हुए भी प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। मैं किसान भाइयों को देता हूँ, और मैं तो खुद किसान परिवार से हूँ, उन्हीं का भाई हूँ, उन्हीं का बेटा हूँ। जो योजना कोई लाई जाएगी वो हम देंगे, और इस सबसे बड़ी समस्या किसानों को थी बेसहारा पशु की, उनकी खराब हो जाती थी, किसान परेशान रहते थे। तो इस बार गौसेवा आयोग का बजट 10 गुना किया है, 40 करोड़ से लेकर 400 करोड़ से ज़्यादा बढ़ा दिया। हमारे गौसेवा ये पशुधन बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर बिरजापुर भी बैठे हैं। हम अगले 6 महीने के अंदर सारे बेसहारा पशुओं को सड़कों से उठाकर गौशाला में रखेंगे, और गौशाला के अंदर जो है इनकी सेवा करेंगे, और किसान भाइयों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के मार्गदर्शन में ये जो पशुधन मेला आयोजित की गई है, इसमें लाखों हमारे किसान भाई आए हुए हैं, और हमारे अलग अलग नस्ल्स के जो गौ माता है इनकी आशीर्वाद लेने की हम लोगों को मौका मिली है। और इसमें आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब मैं 65 लीटर की गाय देखता हूँ, 25 लीटर की, 20 लीटर की इस भूमि के जो गोमाता मैं देखता हूँ, देखा हूँ, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। और इस प्रदेश के किसानों की मेहनत, इनकी लगन, और विशेष करके जयप्रकाश दलाल जी का जो इस मंत्रालय के माध्यम से डेयरी प्रकल्प को आगे बढ़ाने की जो योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो योजना को कार्यान्वित करनी है उसको ढंग से किया है।